हाय गाइस, सो हाउ आर यू? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, इस वीडियो में हम जो हमारा रीति काव्य था उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे, बिकॉज हमारा जो टॉपिक बचा हुआ था उसको हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे, जो टॉपिक हमारा बचा हुआ था। ओके, सो इस वीडियो में हम लोग देख लेते हैं कि हमारा टॉपिक क्या है। तो देखो, रीतिकालीन जो काव्य है उसकी प्रमुख प्रवृत्तियाँ क्या है, उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में अच्छे से बात करेंगे। ओके, सो गाइज, अगर हम लोग इस वीडियो में देखते हैं, सॉरी इस बुक में अगर देखते हैं, तो इसमें बस तीन ही टॉपिक हमारा दिया हुआ है, जो कि है हमारा इसकी प्रवृत्तियों के रूप में बताया गया है। बट मैं आपको इसमें 6 पॉइंट बताऊंगी, आप इसको नोट कर सकते हो, और रीति काव्य की जो प्रवृत्तियाँ है उसके रूप में आप इसको लिख सकते हो। ओके, सो हम देखते हैं कि हमारा 6 पॉइंट क्या क्या है। सो मैं बोल रही हूँ, आप इसको नोट कर लो। सो गाइज, अगर पहले हम लोग देखते हैं तो बुक में भी दिया हुआ है, पहला जो हमारा पॉइंट है तो वो है हमारा कि रीति जो निरूपण है वो, तो इसको पहले पॉइंट के रूप में रखा गया है प्रवृत्ति के रूप में। तो इसको अगर हम लोग देखते हैं तो इसको दूसरे नाम से भी आप बोल सकते हो, जिसे रीति निरूपण दिया हुआ है, बट आप इसको दूसरे मतलब वर्ड में आप लिख सकते हो कि लक्षणों ग्रंथों की प्रधानता। ठीक है, आप ये भी नाम लिख सकते हो, इसमें कोई ये नहीं है। और हम सेकेंड पॉइंट लिखते हैं सिंगारिकता। ठीक है, और थर्ड पॉइंट में अगर हम लोग लिखते हैं तो अलंकारिकता आप लिख सकते हो। फोर्थ पॉइंट में आप अष्टदाताओं की प्रशंसा लिख सकते हो। और जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है वो है हमारा अंधविश्वास पे ज़्यादा जोर दिया। और सिक्स पॉइंट में आप लिख सकते हो कि वज्र भाषा की प्रधानता। ठीक है, तो ये 6 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, आप इसको लिख सकते हो इसकी प्रवृत्तियों के रूप में। तो अब हम छोटे छोटे करके पॉइंट में इसको समझेंगे कि ये जो 6 जो प्रवृत्तियाँ है वो हम लोग लिखेंगे कैसे। ओके, सो अगर हम लोग फर्स्ट देखते हैं कि जो रीति निरूपण है, या फिर इसको हम लोग लक्षण ग्रंथ की प्रधानता के रूप में भी इसको हम लोग बोलते हैं, तो इसमें 3 पॉइंट दिए गए हैं, आप इसको नोट कर सकते हो कि इसके अंदर हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं। तो अगर हम लोग देखते हैं तो जो रीति निरूपण है उसको अगर समझते हैं तो कवियों ने इस काव्य को निर्माण समान पाठकों को काव्य शास्त्र का ज्ञान कराने के लिए किया है। तो इसको आप इसके अंदर में पहला पॉइंट आप ये लिख सकते हो। सेकेंड आप लिख सकते हो कि इसकी जो विशेषता है वह विवेचन के लिए संस्कृत काव्य शास्त्र के उन्हीं ग्रंथों को आधार बनाया गया है जो कि 8वीं या फिर 9वीं शताब्दी के बाद विवेचन की व्यवस्था की और सबोधा के रूप में कार्य एक प्रकार से किया है। ठीक है, और आप तीसरी इसकी विशेषता यह लिख सकते हो कि ये जो काव्य है वह विभिन्न अंगों को एक मनोवैज्ञानिक के रूप में दिखाया गया है, कि इसकी मतलब जो इन लोग के जो कवि होते थे ना, इस काल के जो कवि होते थे ना, तो वो एक तरफ से दबाव के रूप में अपनी रचनाओं को लिखते थे, क्योंकि उन्हें पूरी आज़ादी नहीं थी अपनी रचनाओं को लिखने के लिए। तो आप इस तरह से इस पॉइंट को लिख सकते हो। ओके, अगर हम लोग सेकेंड पॉइंट हम देखते हैं तो वो है हमारा सिंगारिकता। ठीक है, तो सिंगारिकता को अगर हम लोग देखते हैं तो रीति काव्य की जो भी रचनाएं हैं या काव्य है उसमें अधिक अगर हम लोग देखते हैं तो सिंगारिकता को अधिक महत्व दिखाया गया है, और अधिकतर सिंगार के रूप में नारी के शरीर या फिर उनसे संबंधित ही वस्तुओं को अधिक महत्व दिया गया है, कि उनकी सुंदरता को वखान किया गया है, ये सब चीज़ों को इसमें अधिक महत्व दिखाया गया है सिंगारिकता के रूप में। ठीक है, जो कवि होते थे उन्होंने इसको एक ऐसे दर्पण के रूप में प्रस्तुत किया है कि कोई लोक लाज या इस तरह की कोई चीज़ों को नहीं दिखा, मतलब बोला ही नहीं गया, वो खुले में एक तरह से पूरा ओपन माइंड होकर इस चीज़ को उन्होंने अपनी रचनाओं में दर्शाया है। तो इस तरह से आप लिख सकते हो कि सिंगारिकता भी जो है वो एक प्रमुख प्रति के रूप में रीति काव्य को दर्शाती है, या फिर उसमें एक अच्छी भूमिका निभाती है। ठीक है, तीसरा अगर हम लोग देखते हैं तो वो है हमारा, सो गाइस इस पॉइंट को हम बाद में करेंगे, जो हमारे बचे हुए थे उसको हम लोग देख लेते हैं, जो कि है हमारा जो है अलंकारिकता। तो अलंकारिकता भी इस काव्य की एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति के रूप में आप लिख सकते हो। इसमें भी बहुत सारी चीज़ों को दिखाया गया है, किस तरह से रचनाओं में प्रस्तुत किया गया है, उस समय की जो तत्कालीन परिस्थितियों को आप बोल सकते हो, उस समय के जो दर्पण था समाज में उसको एक अच्छे रूप में प्रस्तुत किया गया है।
चौथा पॉइंट जो हमारा था अष्टदाताओं की प्रशंसा, तो यानी जो उस काल के जो कवि थे ना, तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था कि उनकी जो लिखने की जो थी वो अपने मन से पूरा ओपन माइंड करके नहीं लिख सकते थे, क्योंकि उनके ऊपर दबाव होता था, राजा या फिर जो सम्राट होता था वो जो बोलता था उसी तरह से वो अपनी रचनाओं को लिखते थे। तो एक तरफ से उनको मतलब अपने आश्रिताओं के लिए लिखना पड़ता था, अगर वो गलत भी हो फिर भी उन्हें लिखना पड़ता था, क्योंकि उनके जो राजा है उन्होंने उन्हें आदेश दिया है तो उनको वैसे ही लिखना पड़ेगा। अगर जो चीज़ गलत है तो अगर वो बोलेंगे कि सही है तो उन्हें लिखना पड़ेगा, क्योंकि एक दबाव के रूप में वो अपनी रचनाओं को लिखते थे। ठीक है, और चौथा पांचवा जो हमारा पॉइंट था उसको आप लिखोगे तो अंधविश्वास पे ज़्यादा जोर दिया गया। कहने का मतलब हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था जो सामाजिक बुराइयों के रूप में रीतिकाल की जो काव्य थी उसमें दिखाया गया है कि अंधविश्वास पे ज़्यादा जोर दिया है। कहने का मतलब कि उस समय जादू टोना या फिर अंध जो चीज़ें है ही नहीं, लोग उसको झूठा मान कर उस मतलब छोटी चीज़ों को सच मानकर वो इस तरह से समाज में उस चीज़ को एक बुराई के रूप में और ज़्यादा फैलाने लगे, लोगों के अंदर अंधविश्वास को ज़्यादा ही भर गया। इस तरह से आप बोल सकते हो कि अंधविश्वास भी इस काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति के रूप में है। ओके, अब हम अपना छठा पॉइंट जो बचा हुआ था उसको देख लेते हैं, ब्रजभाषा की प्रधानता। ठीक है, तो ब्रजभाषा की प्रधानता क्या है, यानी कि इस काव्य में अगर हम लोग देखते हैं तो ब्रजभाषा को अधिक महत्व दिया गया है, उसमें ही अधिकतर काव्यों को लिखा गया है, तो ये भी एक प्रवृत्ति के रूप में आप इसको लिख सकते हो। ओके, सो गाइस, अगर आपको इसके पिछले यानी कि रीति काव्य से संबंधित इसके पीछे वाली जो वीडियो है उसे अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से उसको देख सकते हो। सो गाइस, इस वीडियो का जो हमारा लास्ट जो पॉइंट बचा हुआ था जो कि हम लोगों ने कंप्लीट नहीं किया, छः जो था हमारा हम लोगों ने पांच तक कंप्लीट किया, तो हम उसको देख लेते हैं जो कि हमारे बुक में दिया हुआ है, रीति इतर काव्य क्या है। ठीक है, तो रीति जो इतर काव्य है वो क्या है हमारा, उसको हम लोग देखते हैं। तो देखो, अगर इसको हम लोग शॉर्टली समझते हैं तो इसको भी ज़्यादा मतलब दो या तीन पॉइंट आप लिख सकते हो, जैसे कि रीति काव्य की गौण प्रवृत्तियों में से एक राज प्रशंसित संबंधित प्रवृत्तियों की ये एक मतलब महत्वपूर्ण भूमिका रूप के रूप में आप इसको लिख सकते हो, कि कवियों ने समाज में मतलब साम्राज्य के रूप में अपने आश्रदाताओं के शौर्य और पराक्रम तथा उनकी दानशीलता आदि कतिपय गुणों का वर्णन किया है। इनमें शौर्य पराक्रम के स्थान पर उनके आतंक तथा उनके दान के व्यापार के स्थान पर दान की सामग्री की विलुप्तता का वर्णन किया है। ठीक है, तो कवियों ने इस तरह से मतलब राजाओं की प्रशंसा की है, तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। ओके, सो गाइस, इस वीडियो में हम इतना करते हैं, नीचे में आप क्वेश्चन दिया गया है, आप इसको अपने से कर सकते हो, अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़े होगे तो इजी है, आप इसको कर सकते हो। ओके, सो गाइस, रीति काव्य जो है यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रीति काव्य के जो कवि है उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, सो अभी के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज़।